हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिमिलैरिटी की एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बातें जो हमने पिछले पार्ट में इस चैप्टर के देखी हैं, जैसे कि सिमिलैरिटी कैसे किसे कहते हैं, सिमिलैरिटी किन दो कंडीशंस पर डिसाइड होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, उसके अलावा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, कि एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होगी, ऐसी कुछ सारी चीज़ें हमने और ये भी देखा था कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के कौन से अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो ओवरऑल समराइज करें तो हमने इन बातों को अब तक देखा है। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पार्ट पर पहुंच चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, यानी कि यहाँ जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं ये आखिरी कंसेप्ट होगा। इसके अलावा आप जो प्रॉब्लम सेट में इसके क्वेश्चन देखेंगे, तो प्रॉब्लम सेट में इसके जो भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं चारों एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा एक एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट कह लें जो 1.4 शुरू होने वाला है, उसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब भी हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते थे नाइन्थ में या टेंथ में, जब भी हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम करते क्या, उनके साइड्स का रेशियो लेते हैं, बराबर। एग्जांपल से याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। अगर ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो ए बी सी के सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर अगर ए बी सी के सिमिलर है तो मैं क्या कहूँगा, पी क्यू का रेशियो किसके साथ आएगा, ए बी के साथ, क्यू आर का रेशियो किसके साथ आएगा, बी सी के साथ, पी आर का रेशियो किसके साथ आएगा, ए सी के साथ, बराबर। यानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो लिया जाता है और वो सारे के सारे रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के, फर्क क्या आ गया बताओ, यहाँ पर सिर्फ ट्राइंगल सिमिलर था, यहाँ पर मैंने क्या कहा, दोनों ट्राइंगल के एरिया भी क्या है, सिमिलर है। तो अगर दोनों ट्राइंगल के एरिया सिमिलर है तो आप साइड्स का रेशियो ले लो, पी क्यू अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन बी सी, पी आर अपॉन ए सी। बट इन सब में स्क्वायर को लगा दो, यही आपका थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है अगर आपके दो सिमिलर ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल्स है जिनका एरिया क्या है, सिमिलर है, तो अगर दो ट्राइंगल है जिनका एरिया अगर आपको सिमिलर मिल गया तो उनके साइड्स के रेशो का स्क्वायर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये आपका लास्ट थ्योरम है, काफ़ी सिंपल है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इतनी चीज़ का तो स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशो लेते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनकी एरिया, अगर हमने कहा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनका एरिया भी सिमिलर है तो हम जब साइड्स का रेशो लेंगे तो क्या होगा, रिस्पेक्टिव उनके स्क्वायर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। दैट्स एक्चुअली दी थ्योरम, इतना समझ गए, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज जाते हैं, इतना ही है इसके अंदर, अब इस एक्सरसाइज को बढ़ते हैं। याद रखना ये जो लास्ट एक्सरसाइज है मेरे नजरिए से तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज जो है ये लास्ट वाली है, हालांकि सारी ही सिंपल है, मेरे हिसाब से लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है सबसे सिंपल। वन प्रॉब्लम एट ए टाइम हम लोग करेंगे, एक सम एट ए टाइम करेंगे तो आपको समझने भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट सम पर जाते हैं। देखो फर्स्ट सम क्या लिखा है अपने टेक्स्ट बुक में, देखो तो पहला सम है आपके पास वो है द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। अगर सपोज करो दो साइड्स है तो सपोज करो S1 अपॉन S2, ये आपको क्या दिया है 3/5 दिया है, ठीक है। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। एक चीज बताऊं, क्वेश्चन में आप अंडरलाइन करोगे उसको, ठीक है, पीडीएफ में भी अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर देखो अंडरलाइन करना क्या, सिमिलर ट्राइंगल दिया है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा बताओ, उनके साइड्स के स्क्वायर के बराबर, अभी पढ़ा था, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। इसके लिए रीजन क्या लिखोगे, इसके लिए रीजन लिखोगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ
एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या था थ्योरम बोलो फिर से रिपीट करो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का अगर रेशियो लिया जाए तो उनके रिस्पेक्टिव साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल, सो ए वन अपॉन ए टू है यहाँ पर, यहाँ क्या होगा बोलो, एस वन का स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा बोलो, एस टू का स्क्वायर यानी फाइव का स्क्वायर। सो ए वन अपॉन ए टू, थ्री का स्क्वायर क्या होता है बेटा नाइन, फाइव का स्क्वायर क्या होता है ट्वेंटी फाइव। अगर हम इसको बॉक्स में कर दें तो ये आपका पहला, सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पॉज करके ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका सेकेंड वाला, मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्या दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अपने टेक्सटबुक में देखो रेफर करो उसको, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज टू इज टू थ्री, देन फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलअप्स करना है यहाँ पर, ठीक है। काफी सिंपल है, ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, सो और ये आपको फिलअप करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ दिए ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पर डैश है, बॉक्स है एक बेटा आपके पास, इसके बाद यहाँ दिया है टू का स्क्वायर, यहाँ दिया है थ्री का स्क्वायर, एकदम बच्चों वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। एक मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से होना चाहिए क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर होगा, अगर यहाँ से ए बी है तो यहाँ से क्या होगा बोलो पी क्यू स्क्वायर होगा, ये टू का स्क्वायर फोर होगा, थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन होगा, दैट्स इट, डन विद दिस क्वेश्चन। हमें खाली फिलअप करना था उसको हमने कर दिया, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड वाले क्वेश्चन पर देखो क्या दिया हुआ है। थर्ड वाले क्वेश्चन में अगेन आपको ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर है, सिमिलर है सॉरी, और ए बी सी का एरिया जो है 80 है, पी क्यू आर का एरिया कितना है 125 है, फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। अगेन काफी सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, प्रॉब्लम नंबर 3 है, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डॉट 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 बोला उसने, तो हम लिखते हैं उसको, यदि क्वेश्चन यहाँ क्या है 80 है और यहाँ क्या 125 है, तो पहले डॉट में ए बी सी आएगा, तो ए बी सी के नीचे 125 किसका एरिया है, क्वेश्चन में से देखो पी क्यू आर का एरिया है, बराबर इतना हो गया। अच्छा फिर आपको एक स्टेप में ये पूछा है कि देयर फोर ए बी अपॉन पी क्यू कितना होगा, ये पूछा है आपको, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू क्या आएगा ये आपको पूछा गया। अच्छा इसको पूछने से पहले मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, है ना, ये दोनों 5 के टेबल में जाएंगे क्योंकि लास्ट नंबर 0 और 5 है, 5 वन ज़ा 5 हो गया 3 बच गया, 5 सिक्स ज़ा 30 हो गया, 5 टू ज़ा 10 हो गया 2 बच गया, 5 फाइव ज़ा क्या होगा 25, यानी कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो ये क्या है 16 अपॉन 25 है, बराबर ये क्या है 16 अपॉन 25। अच्छा इसको निकालने से पहले, इसको निकालने से पहले क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर मैं इनके साइड का रेशियो लूँ तो ये रेशियो ऐसे आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, मानते हो, रीजन क्या आएगा बोलो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ओके। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिया हुआ है, देखो क्या है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है 16 अपॉन 25, इसको वन स्टेटमेंट नाम दे दो, तो ये 16 अपॉन 25 है, इज इक्वल टू ये क्या है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमें ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए बी और सिर्फ पी क्यू चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट इसको, अच्छा यहाँ पे भी लिख देना ये कहाँ से आया था, फ्रॉम वन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, आप दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लो, तो अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, मैं पहला वाला स्टेप ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ये वाला इतना पार्ट पहले लिख लेना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, तो ये क्या होगा बताओ, अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 25, और ये होगा अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ठीक है।
अब इसी को अगर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 4 अपॉन 5 होगा, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर AB अपॉन PQ कितना मिलेगा आपको बताओ, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, सिंपल, थोड़ा सा लगता थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोचने में, फाइन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ट्रायंगल LMN जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, QR इज 20 देन फाइंड MN, ठीक है, काफी सारी चीजें गिवन है तो मैं लिख देता हूं, पहले गिवन में क्या क्या है, LMN जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, उसके बाद ये 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR यही रखो, ये यहाँ बेटा मल्टीप्लाई में यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, ठीक है, फेयर इनफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 9 हो जाएगा, अब यहाँ तक आने के बाद क्या, अब यहाँ तक आने के बाद एक और एक चीज़ दी हुई है आपको गिवन में ही है, जो इसका स्टेटमेंट नंबर 1 नाम दे दो, गिवन के अंदर ही आपको एक और एक चीज़ दी, QR इज इक्वल टू 20, QR आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है, अब इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं, तो गिवन हो गया सोल्यूशन शुरू करना है, काफ़ी सिंपल है, ये जो दिया हुआ है पहले यहाँ से कंपेयर कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है वो हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, अगर इनके साइज का रेशो लेंगे क्योंकि हमें QR दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से QR लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे MN लेंगे, तो अगर अगर एरिया का रेशो लिया जा रहा है दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो लिया जा रहा है तो साइड का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो QR स्क्वायर अपॉन क्या होगा MN स्क्वायर, मैंने बता दिया रीजन कि मैंने PQ अपॉन LM क्यों नहीं लिया, रीजन क्या आएगा यहाँ पर, सेम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, फिर समझ आया होगा यहाँ तक, अब मेरे को बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN दिया है 16 अपॉन 9, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम 16 अपॉन 9 लिख देंगे, ठीक है, और QR दिया है 20, तो QR स्क्वायर क्या लेंगे 20 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा MN स्क्वायर, इसको लेंगे कहाँ से, फ्रॉम गिवन, हमको सब गिवन ही से मिला है ना, गिवन लिख दो या 1-2 लिख दो उसको, फ्रॉम गिवन लिख दो, गिवन, ओके, अब यहाँ तक होने के बाद यहाँ तक समझ में आया, अच्छा अब आपके पास अलग अलग वे है इसको करने के लिए, या तो स्क्वायर रूट ले लो, सेम कर दो, चलो स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों जगह पर तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 16 अपॉन 9 का, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा किसका 20 स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर का, अलग अलग तरीके इसको करने के, ये साइड में रफ कर देता हूँ अभी, तो 16 और 9, 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 जो स्क्वायर रूट है वो 4 का है, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का है, ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 20 अपॉन MN, क्रॉस कर दो 4 इंटू MN, यहाँ क्या होगा बोलो 20 इंटू 3, MN क्या हो जाएगा बताओ 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 वन ज़ा 4 फाइव ज़ा 5 थ्री ज़ा कितना होगा 15 होगा, आपका MN ही निकालना था तो MN आ गया 15 यूनिट्स, जब मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया होगा तो आप ये लिख देंगे, होप सो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल है, Now we'll move on to the next sum.
ओके लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले इंफॉर्मेशन क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 में इंफॉर्मेशन दी है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 एंड 81. ठीक है, दो ट्राइंगल और एक एरिया 225 और एक 81 है. इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 देन फाइंड द करस्पोंडिंग साइड ऑफ ए बिगर ट्राइंगल. ठीक है, आपको मतलब स्मॉलर साइड स्मॉलर जो ट्राइंगल है उसकी साइड दी है 12 है और आपको बिगर ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट करना है. सबसे पहले दोनों के एरिया लिखते हैं. सपोज करो A1 का जो एरिया है हमें दिया नहीं है, वहाँ हमारे हिसाब से लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है. A2 का जो आपको एरिया दिया है वो दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है. ठीक है, तो आपको दिया है इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, तो स्मॉलर ट्राइंगल ये है तो A2 है तो इसकी साइड क्या होगी, S2 होगी. तो इसकी S2 कितना है, 12 सेंटीमीटर है. ये आपको गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है S1. काफ़ी सिंपल है ना निकालना सोल्यूशन इसका. कैसे निकालेंगे सोल्यूशन इसका बताओ. इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें मालूम है A1 अपॉन A2 अगर साइड्स को कंपेयर किया जाए तो किसके बराबर होगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर के. कब, जब दो सिमिलर ट्राइंगल होंगे और हम उनके एरिया का रेशियो लेंगे. बराबर, यहाँ लिखेंगे हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा. ठीक है, सो A1 कितना है बेटा, 225 है. A2 कितना है, 81 है. S1 हमें नहीं पता तो S1 स्क्वायर वैसे का वैसे ही है. S2 कितना है, 12 का स्क्वायर. याद आ रहा है पिछला वाला सेम ऐसे ही था. क्या करेंगे बताओ, अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. दोनों जगह हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा तो क्या होगा बताओ. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 225 अपॉन 81 या होगा अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे. बताओ ऐसा कौन सा नंबर है इसका दो बार मल्टीप्लाई करते तो 225 आता है, तो 15 है. 81 के लिए क्या है, 9 है. बराबर, यहाँ पर S1 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा S1 अपॉन 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × 12 S1 × 9 फिर 15 × 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या होगा, S1 हो जाएगा. 3 3 जा 3 4 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 4 जा कितना होगा बेटा, 20 होगा. तो ये 20 सेंटीमीटर आएगा. अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ था ना हमें यहाँ पर. तो S1 का वैल्यू कितना आ गया, बिगर साइड बिगर ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी मिल गई आपको, 20 मिल गई. फेयर इनफ, ठीक है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है ये देखो. क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि ट्राइंगल ABC और DEF इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, दोनों इक्विलेटरल है और दोनों का एरिया आपको दिया हुआ है. ठीक है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके हर साइड्स बराबर होगी. दो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ अगर सिमिलर नहीं दिया तो समझना है कि अगर इक्विलेटरल है तो सिमिलर होंगे. ये बात अपने मार्जिन के ऊपर लिख लो, पेज के ऊपर जो मार्जिन है ना वहाँ एक बात ले लो. क्या लिखेंगे आप, अगर कोई दो ट्राइंगल, इन केस इफ देर आर टू ट्राइंगल्स एंड बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स देन इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी वी कैन कंसिडर दीज टू ट्राइंगल्स एज सिमिलर ट्राइंगल्स. ठीक है, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है. ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग. पहले गिवन क्या बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, एरिया, अच्छा रेशियो दिया हुआ अलग अलग से नहीं है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो है वो 1:2 का रेशियो है आपका. ठीक है, हाँ, और फिर आपको AB दिया हुआ है, AB कितना है, 4 है. आपको क्या फाइंड आउट करना है, DE फाइंड आउट करना है कि DE क्या होगा. ओके, कैसे निकालेंगे, सेम सोल्यूशन शुरू करेंगे हम, जो चीज़ें हमेशा करते थे वही करेंगे. दो ट्राइंगल है, सोल्यूशन में लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल. बराबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स
ये अगर इक्वल लेकर ट्राइंगल है बेटा, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ। तो ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल डीएफ के सिमिलर हो जाएगा। तो अगर मैं इनका साइड्स का रेशियो लूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ, अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ, मुझे मेरा इंटरेस्ट ए बी और डी में, तो यहाँ क्या होगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे बोलो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बराबर, ये बात है। यहाँ 1/2 आ जाएगा अपना, यहाँ क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा डी ई का स्क्वायर बराबर। सेम चीज करेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों जगहों पर तो क्या होगा। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमने देखा है यहाँ पर, हमेशा बार बार हम देख रहे हैं कैसे जब सब ये करना है, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 या 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 4 square upon d square। अब 1 का square root 2 1 होता है क्योंकि 1 ही अकेला नंबर इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर तो 1 आता है बराबर। नीचे वाला नंबर रूट से बाहर नहीं आएगा, इस स्टेप को ध्यान में रखो, मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई कर तो 2 आता है, ठीक है। तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये √2 रहेगा। ये जो 4 है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4/DE बचेगा। सो डी ई वन का क्या होगा D, और 4 × √2 क्या होगा 4√2। सेंटीमीटर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, तो 4√2 यूनिट्स इसका आंसर हो गया। और समझ में आया होगा, सारी चीज़ें सेम है, खाली इस स्टेप पर ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सिमिलर कंसिडर कर लेना, उसके बाद जो फ्लो जाता है वही फ्लो पर आएंगे और खाली इसको देख लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7-9 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पार्ट्स में करेंगे उसको। आप पहले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन क्या है, मैं भी यहाँ पर आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7, मैं पहले फिगर बनाता हूँ फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है वो, फिगर से आपको बेहतर समझ में आएगा। चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ओके। आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें PQ जो है पैरेलल डी के, ठीक है, PQ जो है वो पैरेलल डी के। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF दिया है आपको 20, इसका एरिया आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा PF दिया है 2 times of DP, PF जो है वो क्या है 2 times of DP, मतलब DP जितना भी होगा उसका डबल, अगर ये 5 होगा तो 10 होगा ऐसे, ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर DPQE, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। कोऑर्डिनेटर दिख रहा है 4 साइड यहाँ पर, DPQE आपको इसका एरिया निकालना है कि इसका एरिया कितना होगा बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, तो मैं लिखते जाता हूँ और एक्टिविटी बताते जाता हूँ कि क्या होगा। तो पहली चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF दिया हुआ है 20, तो मैं लिख देता हूँ 20 यूनिट्स दिया है बेटा, तो मैंने लिख दिया है बट 20 यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, PF दिया हुआ है, फिर वो बोला कि PF है 2 DP, तो वो भी लिख देता हूँ मैं, PF जो है 2 DP है। फिर वो कह रहा है कि आप DP को X मान लो, ठीक है, तो DP क्या हो गया आपका X हो गया, तो DP X हो गया तो ये यहाँ आ जाएगा, तो बताओ PF क्या होगा, 2X हो जाएगा, तो PF 2X हो गया, याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो PF क्या हो गया तुम्हारा, ये PF ये 2X हो गया, हाँ, और DP तुमने X लिया था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे वो क्या बोल रहा है, आगे तुमको उसने यही कहा है कि मैंने किया, उसने बोला है कि DF है क्या, उसने बोला है कि DF क्या है, DF क्या है बताओ, टोटल DF क्या है, DP प्लस PF है, तो इसने यहाँ पे DP लिख दिया है, और तुमको डैश में बोला है कि बॉक्स में क्या आएगा, बताओ बॉक्स में क्या आएगा, काफ़ी आसान ना, भी बोला DP के साथ क्या आएगा, PF आएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब ये DP के साथ PF हो गया, तो बताओ DP कितना है, X है, PF कितना है, 2X है, सो DF कितना हो जाएगा बेटा, 3X हो जाएगा, यहाँ पर समझना है, सिंपल है,
ये भी आसान है, ठीक है ये हो गया। अब दो ट्राइंगल ले लो, उसने कहा है कि दो ट्राइंगल लो, जैसे ट्राइंगल लेते जा रहे हो लेते जाओ। एक ट्राइंगल कौन सा है, एफ डी ई ट्राइंगल है, कौन सा है एफ डी ई ट्राइंगल, ये एफ है ए डी एन के बड़ा ट्राइंगल। दूसरा आपको बोला है एफ पी क्यू ट्राइंगल, एफ पी क्यू अब तक समझ आ रहा होगा, ये एफ है ए पी मतलब बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा वो बोला है कि एफ डी ई किसी कोई एक एंगल के बराबर है और रीजन उसने दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एफ डी ई यानी कि ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो लाइन में आते हैं। सबसे पहली बात, जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट एंगल इन एंगल्स को अगर हमको इक्वल बताना होता है, भले से वो डायग्राम में दिखे पर इक्वल बताना होता है, तो उनकी प्री कंडीशन होती है, क्या होती है, लाइंस का पैरेलल होना। अगर लाइंस पैरेलल ना हो तो आप नहीं बता सकते। तो क्या यहाँ पर लाइंस पैरेलल है ना, पी क्यू पैरेलल दिया ना क्वेश्चन में डी के, तो यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसके लाइन में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है बेटा। तो अगर एफ डी ई लिया जा रहा है तो यहाँ से क्या होगा, एफ पी क्यू होगा, समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट्स में बता दिया करो, ठीक है। हाँ और रीजन यहाँ उसने दिया है क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल पहला होगा। दूसरा उसने कुछ और भी लिखा है, एफ ई डी, एफ ई डी, और इसका भी रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही है। तो आप लोग बताओ अभी, एफ ई डी बोला है, एफ है ई है डी है यानी कि यह एंगल, तो इसके लाइन में यह एंगल आ रहा है, तो बोलो क्या नाम है इसका, एफ क्यू पी नाम है, एफ क्यू पी। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी दो ट्राइंगल के कोई दो एंगल्स को आपस में सेम बता दे तो ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर, कौन सा टेस्ट, डबल ए टेस्ट, तो आगे यही होगा। तो वही लिखा है उसने, देखो देयरफॉर ट्राइंगल एफ डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ पी क्यू, और आगे उसने लिखा क्या है, ए ए टेस्ट। यहाँ तक समझ आया होगा, काफ़ी आसान है, ठीक है। याद रखने के बाद अब उसने एरियाज का रेशियो लिया है, ठीक है ये आपको समझ गया ना, तो मैं इतना पार्ट मिटा देता हूँ यहाँ से, डायग्राम सॉरी मैंने मिटा दिया, नहीं मिटाना चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं आपके पास तो होगा। अब उसने बोला है कि एरिया का रेशियो ले लो, पहला है एफ डी ई, एफ डी ई एक है और दूसरा है एफ पी क्यू, एफ पी क्यू, ठीक है। तो एफ डी ई में डी एफ जो था वो 3x था बराबर, तो उसने ऐसे लिखा है, यहाँ एक डैश है, यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर और नीचे लिखा है 2x स्क्वायर, तो मुझे मालूम है ना 2x द होल स्क्वायर, मुझे मालूम है 3x क्या था, 3x था डी एफ, तो यहाँ क्या आएगा, डी एफ का स्क्वायर। अब लॉजिकली मतलब अगर डी एफ यहाँ से आएगा तो यहाँ से क्या आएगा, पी एफ का स्क्वायर बराबर। फिर उसको आगे सॉल्व करने उसने कहा था, तो यहाँ कैसे सॉल्व होगा बेटा, देखो इसी का कंटिन्यूएशन नीचे लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आएगा 9 अपॉन 4, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू आपको कितना मिला, 9 अपॉन 4 मिला है। ये अभी पूरा आंसर नहीं, अब देखो इसको आगे उसने क्या किया, इसको रब कर देता हूँ। अब उसके आगे उसने क्या किया है, ये वाले पार्ट को यहाँ भेजा है, मतलब उसने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई इज नथिंग बट 9 अपॉन 4, तो ये था ही, ये यहाँ डिवाइड में था, यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू। आपको ध्यान में होगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने दिखाया भी था डायग्राम में, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू जो है आपके लिए, या पी क्यू एफ जो है वो 20 दिया हुआ है, तो ये 9 अपॉन 4 इंटू क्या हो जाएगा, 20, 4 वन ज़ा 4 फाइव ज़ा, 5 नाइन ज़ा कितना होगा 45, ठीक है। तो ये 45 आ गया, और इसके लिए यूनिट्स दिया था नहीं दिया था, तो यूनिट स्क्वायर लिख देना, यूनिट स्क्वायर लिख देना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई कितना आया बेटा आपको, 45 यूनिट स्क्वायर मिला। बट अच्छा मैं एक चीज़ अब बता दूँ आपको, देखो यहाँ पर रफ में एक छोटा सा डायग्राम दिखा दूँ और बता दूँ हमने क्या क्या किया अभी तक। हमारे पास एक ट्राइंगल था बड़ा वाला जिसका नाम था एफ डी ई, एफ
डी ई, उसके अंदर एक ट्राइंगल और था जिसका नाम था एफ पी क्यू, ये 20 दिया था, एफ डी ई अभी निकाला, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा 45। ये टोटल मिलाकर कितना हो गया 40, हमें ये वाला पूछा था बराबर। अगर पूरा ट्राइंगल 45 है उसमें से 20 निकाल दूं तो यही बचेगा, सिंपल ठीक है। तो आखिर में देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ क्या, डी पी क्यू ई नाम, तो डी पी क्यू ई क्या होगा बताओ, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इतने का एरिया, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, एफ डी ई नाम है, एफ डी ई, एफ डी ई, उसमें से छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, एफ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू को माइनस कर दो, तो ये कितना था 45, उसमें से कितना माइनस करना था 20, तो ये कितना आता 25 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, फेयर इनफ, समझ में आया ठीक है। तो ये आपका आखिरी सम था, होपफुली समझ में आया होगा, इस सम को इम्पोर्टेंट मार्क करेगा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ज़रूर। ओके थैंक यू।